दुनिया भर के कई मुल्क इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कहीं पर बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है, तो कहीं सैलाब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कुदरत की ऐसी ही मार इस वक्त पेरू में भी देखने को मिल रही है। पेरू में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। हालात ये हैं कि हाईवे पर जमा पानी को देखकर लगता है कि मानो यहां से कोई नदी बह रही हो। घरों में सैलाब का मलबा भर गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी है। कैलिफोर्निया में भी सैलाब की वजह से ऐसे हालात हैं, सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। मौजूदा हालात को लेकर महकमा मौसमियात की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक सैलाब और बारिश से यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। यूनाइटेड किंगडम में भी बर्फीले तूफान लारिसा ने जमकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कई दिनों से स्कूल बंद हैं। तूफान का असर उड़ानों पर भी पड़ा है, लोग घंटों तक सड़कों पर ही फंसे रहे। लारिसा तूफान कहर सबसे ज्यादा उत्तरी इंग्लैंड और उत्तरी वेल्स में देखने को मिला, जिससे आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।